आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। जनपद जालौन के रामपुरवा पुलिस ने हत्या में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने महंगे और शौक और रुपये के लालच में अपने साथी के साथ मिलकर एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी भी की है। जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र नाथ तिवारी ने एसपी कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि 22 मई को अखिल पचोरी और उसके साथी ओम जी ने टिहर ग्राम के रहने वाले अंकित और मिंटू को बुलाया और उससे रुपये की मांग करने लगा। रुपये को लेकर उनसे बीच बहस हुई, जिसमें अखिल और ओम जी ने मिलकर अंकित की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और शव को भट्टे में फेंक कर भाग गए, जिसकी रिपोर्ट मृतक के परिजनों ने दर्ज कराई थी, जिसमें ओम जी को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अखिल फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि अखिल मोर्च ओम जी और सौरभ भदौरिया तीनों दोस्त थे और तीनों की फ़ोन पर खूब बात होती थी। इन तीनों ने रुपये मामले की नीयत से प्लान बनाया था कि अपहरण कर लोगों से फिरौती मांगने और मौज करने। उसके तहत अंकित और मिंटू को ओम जी के माध्यम से बुलाया और 30 लाख रुपये मांगे नहीं देने पर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। जालौन से विष्णु पांडे की रिपोर्ट। मालूम पता चला था कि वो टीहर गांव पर आने वाला है, तो शाम से ही गायब था। जब उससे छानबीन की गई तो उसने निकल के आया कि उसी के गांव के क्या नाम है इनका अखिल पचौरी और ओम इसको ले गए थे, और जो साथी के उनका साथी और था ये उसको ले गए और कुछ फिरौती तो मांगने की इनका प्लान था। थोड़ा सा किसान और खाने पीने उनका परिवार ठीक ठाक था वहाँ पर गाँव में, इन्हों को लगा कि इससे कुछ पैसे मिल सकते हैं, इसको लेकर के इन्होंने उसको बातचीत की। उसी बातचीत के दौरान हत्या करके एक पत्नी में छिपा दिया। और तो उसी दिन पकड़ लिया गया था, उसी समय पकड़ लिया गया था, लेकिन अखिल अभी तक फरार चल रहा था।